एलविश यादव के माता पिता को मीडिया में देखकर बेबिका धुरे हुई इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, बेबिका धुरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर कहती हैं स्टे स्ट्रॉन्ग एलविश एंड फैमिली। जिस तरीके से एलविश यादव के माता पिता के साथ दोस्तों मीडिया ने बर्ताव किया जो कि बहुत ही शेमफुल है। जी हाँ दोस्तों, किसी के बेटे के साथ इस तरीके की दोस्तों सवाल पूछना जो कि बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, उनके पेरेंट्स को ये पूछना कि तुम्हारा बेटा कहाँ से पैसे लाता है, कहाँ से लाता है। यार दोस्तों, इतने सारे यूट्यूबर हैं, उनके पास तो दोस्तों एलविश यादव से भी महंगी महंगी कारें हैं, तो दोस्तों उन्हें क्यों नहीं पूछती क्या एलविश यादव को इस तरीके के जॉब करना सही है क्या। जी हाँ दोस्तों, साथ ही लिखती हैं कि भगवान आपके परिवार को और दोस्तों आपको जो इस सिचुएशन में उसे बाहर निकलने में मदद करे। जी हाँ, इस तरीके से एलविश यादव के सपोर्ट में बेबिका धुरे लिखती हैं। जब जब दोस्तों एलविश यादव के सपोर्ट की जरूरत होती है तो बेबिका धुरे एक सच्चे दोस्त के रूप में दोस्तों सपोर्ट आती हैं। दोस्तों बहुत ही थे दोस्तों बिग बॉस OTT2 में, जहाँ पर दोस्तों एलविश यादव के दोस्तों कई सारे भाईसारा भी थे और कई सारे दोस्तों जो बात करें तो कई सारे लोग भी हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, उनकी दोस्तों एक स्टोरी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों एलविश आर्मी लिखती हैं थैंक यू बबीका जी, बुरे वक्त में ही साथ खड़े रहने वाले हमेशा याद रहेंगे। जी हाँ, इस तरीके से लिखती हैं और लिखती हैं जस्टिस फॉर एलविश। बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।